Hey guys, welcome all of you on Academy in partnership with Creatrix. Welcome all of you. It's 10 p.m. in the night. Welcome all of you, and we are live. So today we discuss some problems of basics of measurement. The session will be in both English and Hindi. दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलाएंगे हम सेशन को, ठीक है ना? So welcome all of you. अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही हो आपको और वीडियो क्लियर हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में पिंग कर दो. अगर मेरी आवाज और वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पिंग कर दीजिए. आशुतोष यादव, पावर सिस्टम बेटा अंकित से स्टार्ट करेंगे, कल या परसों स्टार्ट होने वाला है. सो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अकेडमी इन पार्टनरशिप विद क्रिएटर्स. जितने भी लोग लाइव हो यार, एक बार अगर मेरी आवाज और वीडियो बिल्कुल क्लियर हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके जल्दी से बता दो. एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो अगर आवाज और वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो. चलिए, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो बेटा, हमारा पहला इंट्रोडक्शन है मेजरमेंट के साथ में. मैंने आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ वो ट्रांसड्यूसर ऑलरेडी ले रहा हूँ मैं. सवा आठ बजे मॉर्निंग में ऑलरेडी ले रहा हूँ. इलेक्ट्रिकल और ईसी के बच्चों के लिए मेजरमेंट, काफी दिनों से बच्चे बोल रहे थे सर लेके आइए. तो आज तो अपनी प्रॉब्लम क्लास है और जल्दी ही अपना मेजरमेंट का टॉपिक फटाफट स्टार्ट होने वाला है. जल्दी ही मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होने वाला है. पूरा सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे, पूरा सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हम बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे. आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बेसिक. मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस छांटे हैं यहाँ पर, तो हम आज कुछ 25 से 30 क्वेश्चंस कुछ आज अराउंड कर लेंगे. देख लें कितने होते हैं एक घंटे में, ठीक है ना? सो वेलकम ऑल ऑफ यू. चाणक्य, संदीप, आदित्य, राज, आशुतोष, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अकेडमी. चलिए, सो राइट डाउन. सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट में. हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? चलिए देखो एरर क्या होता है उस बारे में बात करते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, वॉटमीटर हैविंग अ रेंज 1000 वॉट हैज एन एरर ऑफ ±1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. इफ द ट्रू पावर इज 100 वॉट, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ रीडिंग्स? सपोज द एरर इज स्पेसिफाइड एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, देन व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ रीडिंग्स? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है देखो, आपको परसेंटेज एरर का फॉर्मूला पता ही होगा. एरर क्या होता है बेटा, एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ. कुछ देख दो बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन पे अपन लगाएंगे. मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दैट इज एरर बेसिकली. हाय बेटा, व्हाट इज परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर मींस मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%. तो ये जो टर्म है आपका परसेंटेज एरर, इसी को अपन बोलते हैं लिमिटिंग एरर. इसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज लिमिटिंग एरर. इसी को बोलते हैं परसेंटेज लिमिटिंग एरर, या आप इसको बोल सकते हो परसेंटेज रिलेटिव एरर. क्या बोल सकते हो? रिलेटिव एरर. तो ये कहीं कहीं पे आपको एप्सिलॉन आर करके दिखेगा, दैट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%. ठीक है सर, पहला टॉपिक बता दीजिए, तब हम लोग रिवाइज करके आएंगे. नहीं, रिवाइज करके नहीं आना है आपको. आपको कुछ भी रिवाइज करके नहीं आना है. आज हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स की जो बेसिक थ्योरी है मैं आपको आज कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? सर पहले टॉपिक बता दीजिए. टॉपिक बताने का कोई इसमें इशू नहीं है. आज हम एरर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेसिक एरर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन करेंगे. आपको रिवाइज करके कुछ नहीं आना है, बेसिक से क्वेश्चन है. आज बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे. शुरू में 1-2-3 क्वेश्चन बेसिक करेंगे, उसके बाद कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे. अभी धीरे धीरे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है ना? चलिए, सो व्हाट इज परसेंटेज लिमिटिंग एरर एंड परसेंटेज लिमिटिंग एरर, ये सेम ही बात है. मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू इनटू 100%, ठीक है? चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन? फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये है बेटा, मान लीजिए ये स्केल है, जीरो से लेकर इसकी रीडिंग है 10 वोल्ट. तो 10 वोल्ट इसकी फुल स्केल वैल्यू होगी, जीरो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन में दे रखा है, हैज अ रेंज 1000 वॉट एंड एन एरर ऑफ ±1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एरर कितना है बेटा, ±1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 1000 वॉट. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/100 इनटू 1000, एंड द आंसर इज व्हाट? 10. सिंपल सा लॉजिक है. ये एरर है किसके अंदर? पावर के अंदर. तो मैंने इसको बोल दिया डेल पी. ये मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को हम बोलते हैं डेल ऑफ पी या डेल ऑफ ए या डेल ऑफ बी. हाँ, ठीक है ना बेटा, ये डेली लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ प्रॉब्लम सेशन है. कल मॉर्निंग में 7 बजे क्लास है मेजरमेंट की. टॉपिक का नाम है एमीटर्स, वोल्टमीटर्स एंड ओममीटर्स. तो अगर आपको ओममीटर समझ में नहीं आता, अगर आपको एमीटर्स में डाउट है, राइट एंड शंट समझ में नहीं आता, मल्टी रेंज एमीटर समझ में नहीं आता, तो कल वाली क्लास, जो कल वाली मॉर्निंग की क्लास है, उसमें आ जाइए. आपको एमीटर्स, वोल्टमीटर, ओममीटर्स का एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना? चलिए, नहीं बेटा अनअकैडमी पे लाइव नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे ही चल रहा है, ठीक है ना? चलिए, सो ये सिंपल एरर निकल के आपसे बोला है परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो. तो आप क्या लिखोगे? एरर
अपॉन ट्रू वैल्यू, और बेटा आपको ट्रू वैल्यू कितनी देगी 100 वॉट इनटू 100%, तो आप क्या लिखोगे बेटा 10 और ट्रू वैल्यू कितना 100 इनटू 100%, सो द आंसर इज व्हाट 10%, आंसर इज व्हाट 10%, तो 10% 10% जो है वो आपका परसेंटेज एरर हो गया, लेकिन उसने बोला है व्हाट इज द रेंज ऑफ रीडिंग्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ रीडिंग, तो रेंज का मतलब क्या होता है, जब आप रेंज लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, जो ओरिजिनल ट्रू वैल्यू है उसमें कितना एरर आया दैट इज द रेंज, जो ओरिजिनल ट्रू वैल्यू है उसमें रेंज कितना आया दैट इज द रेंज, तो आप क्या लिखोगे, अगर आपको रेंज लिखना हो बेटा तो आप क्या लिखोगे ट्रू वैल्यू और उसमें क्या लिखोगे प्लस माइनस एरर, यही तो लिखोगे, तो ट्रू वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है दैट इज 100 प्लस माइनस और एरर कितना है 10, एरर कितना है 10, ये बिना परसेंटेज वाला एरर है, बात समझिएगा, ये बिना परसेंटेज वाला एरर है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेल पी है, परसेंटेज वाला एरर नहीं है, ठीक है ना, सो द आंसर इज रेंज क्या हो गया इसका 100 माइनस 10 इज 90 एंड 100 प्लस 10 इज 110, तो ये आपका रेंज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या था कि व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ रीडिंग्स, तो मैंने बता दी व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ रीडिंग्स, ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ रीडिंग्स फ्रॉम 90 टू 110, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, बात समझ में आ रही, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा, अगर एरर जो है बेटा 1000 प्लस माइनस 100 नहीं होगा, 1000 प्लस माइनस 100 नहीं होगा, राजकुमार घोष इज द राइट आंसर, निधि यादव 1000 प्लस माइनस 100 नहीं होगा बेटा, ट्रू वैल्यू आपकी 100 है और एरर 10 है। अब एक बात समझना, ये था ट्रू एरर प्लस माइनस एरर, बात समझिएगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ट्रू पावर कॉमन ले लो, इसको लिखो 1 प्लस माइनस, गुड इवनिंग बेटा, इट्स नॉट, इट्स रोहन सिकदर, ये गुड इवनिंग भी नहीं है, ऑलमोस्ट इट इज 10 इन द नाइट, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो बेटा इसको, ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, ये रिलेटिव एरर हो गया, और ये जो एरर है रिलेटिव एरर, ये बिना परसेंटेज वाला है, दिस इज द रिलेटिव एरर विदाउट परसेंटेज, अगर आप इस टर्म में लिखना चाहें इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज द रिलेटिव एरर विदाउट परसेंटेज, बात समझ में आती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा इसका, सपोज द एरर इज स्पेसिफाइड एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, स्पेसिफाइड एज 1%, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इट इज 1% ऑफ द ट्रू वैल्यू, इफ द क्वेश्चन इज स्पेसिफाइड एज, बेटा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मिल जाएगा आप, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा आप, ठीक है, स्पेसिफाइड एज 1% ऑफ द ट्रू वैल्यू, देन व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ रीडिंग्स, अगर 1% हो ट्रू वैल्यू के तो क्या होगा, देखो इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है आपको, अगर आपका एरर 1% हो ट्रू वैल्यू के, 1% हो ट्रू वैल्यू के, तो इसका मतलब क्या है बेटा 1/100, और ट्रू वैल्यू कितनी थी आपकी 100 ही थी, ट्रू वैल्यू कितनी थी 100 ही थी, तो ये आपका एरर हो गया बेटा 1, दैट इज डेल पी। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दिस केस, दैट इज द एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%, सो व्हाट इज एरर नाउ, इट इज 1, ट्रू वैल्यू इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 100 इनटू 100%, द आंसर इज 1% एंड द एरर इज व्हाट 1, तो अगर आप इसको लिखना चाहो रेंज यहां पर, तो रेंज क्या लिखोगे बेटा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, तो ट्रू वैल्यू आपका कितना 100 प्लस माइनस 1, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका 100 माइनस 1 इज 99 एंड 100 प्लस 1 इज 101, या एवरीबॉडी इज राइट, एवरीबॉडी इज राइट, निधि रोहन सर डेली क्लासेस होगा क्या, बेटा डेली क्लासेस मेजरमेंट का भी जल्दी से स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पर, अभी मेरा सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर चल रहा है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अभी आपका मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट ऑन क्रिएटिक्स यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, मैं लेने वाला हूँ, ठीक है ना, आपका अभी मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़े ही दिनों में आने वाला है, थोड़े ही दिनों में यूट्यूब पे आने वाला है। कल अगर आप लोग मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हो मेजरमेंट की, तो सुबह 7 बजे आ जाना, टॉपिक का नाम है एमिटर्स, वोल्टमीटर्स, ओममीटर एंड डीसी ब्रिजेस, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए, सिंपल सा लॉजिक है, देखिए आगे द रजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर टू, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रजिस्टर कॉपी पेन लेके यहाँ पर आ जाना, ठीक है ना। और जो लोग पहली बार मेरी क्लास में आए, आई गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, दिस इज प्रमीत लवास, एजुकेटर एट एन अकेडमी फॉर गेट इन ईएसी, योर गेट मेंटर एंड डिजिटल कोच, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज फाउंड बाय मेजरिंग करंट फ्लोइंग एंड द पावर फेड इनटू द सर्किट, ठीक है। फाइंड द लिमिटिंग एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द लिमिटिंग एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पावर एंड द करंट आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहां पे देखो आप समझो बात, ये बोल रहा है कि आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, क्या मेजर करना है, रेजिस्टेंस, और पावर का फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको 1.5 और ये 1.0। अब आप एक बात समझो, ये परसेंटेज का क्या मतलब है और बिना परसेंटेज का क्या मतलब है। हाँ बेटा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, या
अखिलेश राइट आंसर बेटा, देखो समझो, अगर आपको ऐसा दे रखा हो 100 प्लस माइनस समझना 2, तो ये जो है आपका ये एरर हो गया, इसको बोलते हैं अपन एरर, क्या बोलते हैं एरर, यानी ये हो गया डेल आर के बराबर, ये क्या हो गया डेल आर के बराबर, लेकिन यहीं पे ये लिखा होता 100 प्लस माइनस 2%, क्या लिखा था 2%, तो ये क्या हो जाता डेल आर बाय आर 2% के बराबर हो जाता, आपको समझना पड़ेगा, अगर ये बिना परसेंटेज के है तो नॉर्मल एरर है और परसेंटेज में गिवन है तो डेल आर बाय आर के बराबर होगा, इसको आप ऐसा भी ले सकते हो 100 प्लस माइनस ये 2% किसका, 2% किसका नॉर्मल वैल्यू का, यानी 2% किसका बोल रहा है 100 का, तो ये 100 वापस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया प्लस माइनस 2, तो ये बेसिक सी बात है आपको समझनी पड़ेगी, जब यहां पर बिना परसेंटेज के दे रखा होगा तो नॉर्मल एरर है, अगर वो परसेंटेज में दे रखा है तो वो लिमिटिंग एरर की वैल्यू है, रिलेटिव एरर की वैल्यू है, डेल आर बाय आर की वैल्यू, बात समझ में आई, एक बेसिक सा फंडा है ये, आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया, इसको बोलते की नोट बीच बीच में, ठीक है। चलिए अब बात समझिए, क्वेश्चन में आपको कहा है कि पावर और करंट के लिए 1.5% है, तो जैसे ही परसेंटेज दे दिया इसका मतलब ये हो गया बेटा डेल पी बाय पी आपको दे रखा है प्लस माइनस 1.5%, अगर बिना परसेंटेज का होता तो डेल पी होता बेटा 3.5 इज द आंसर, ऑलवेज यू हैव टू ऐड ऑल द थिंग्स बेटा, कभी भी आंसर सब्ट्रैक्शन नहीं करना है एरर में, हमेशा ऐड ही करना है, देखो डेल आई बाय आई बेटा क्या होगा आपका प्लस माइनस 1%, यही है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर, और वो बोल रहा है कि फाइंड द लिमिटिंग एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना एरर होगा ये बताना है अपन को, ठीक है। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस को आप क्या लिखते हो, रेजिस्टेंस को आप लोग क्या लिखते हो, देखो रेजिस्टेंस को आप लोग लिखते हो R is equal to power upon I square. Now take log both sides. If you take log both sides, क्या हो जाएगा बेटा? 3.5% is the answer यार. तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा? Log R is equals to log P minus log of I square. ऐसे लिखोगे बेटा? आप इसको differentiate कर दो. आप लोग इसको differentiate कर दो R के respect में. तो क्या लिखोगे? अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें आर के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, तो लॉग आर का डिफरेंशिएशन 1/r, लॉग पी का डिफरेंशिएशन 1/p, दिस इज डेल पी बाय डेल आर माइनस 2, लॉग आई का डिफरेंशिएशन 1/i, देन डेल आई अपॉन डेल आर। अब आप क्या कीजिए, अब आपको क्या करना है, इस डेल आर को ऊपर ले जाइए, तो देखो बेटा वैसे आपको फॉर्मूले डायरेक्टली सारे याद ही होंगे, लेकिन मेरा काम है कि आपको सारा बेसिक से बताना, इसलिए मैं आपको सारा बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को बेसिक नहीं पता हो। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे चला जाएगा ऊपर, ये डेल आर को यहां से ऊपर ले जाएंगे अपन, डेल आर को ऊपर ले जाओ तो क्या लिखोगे, डेल आर बाय आर इज इक्वल्स टू डेल पी बाय पी माइनस 2 डेल आई बाय आई। अब आपको समझना पड़ेगा ये आपको परसेंटेज में गिवन है, किसमें गिवन है बेटा, परसेंटेज में, तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखें आपको क्वेश्चन में दे रखा है डेल पी बाय पी प्लस माइनस 5%, तो आप यहां पे लिखोगे प्लस माइनस 1.5% माइनस ट्वाइस, ठीक है। डेल आई बाय आई कितना दे रखा है, प्लस माइनस दैट इज 1%। अगर आप देखो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप प्लस माइनस कॉमन ले लो 1.5 प्लस 2%, तो आंसर कितना हो गया बेटा 3.5% इज द आंसर डेल आर बाय आर, ठीक है। तो उसने बोला था लिमिटिंग एरर बताओ, तो ये हो गया किसमें, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन रेजिस्टेंस, ये किसमें हो गया, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन रेजिस्टेंस। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन पावर एंड परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन करंट आपको गिवन था, और आपने परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया है, अब बात समझिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपको कह रखा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इफ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड इज 2%। जहां भी परसेंटेज आ गया इसका मतलब ही ये हो गया, जहां परसेंटेज आ गया उसका मतलब बेटा ये हो गया कि वो रिलेटिव एरर दे रखा है, जहां परसेंटेज आ गया इसका मतलब वो रिलेटिव एरर दे रखा है, बात समझो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हाफ एम वी स्क्वायर, होता है नहीं होता है, पता ही है सबको, या 8% इज द आंसर, या 8% इज द आंसर आदित्य नंदा, या वाई वी एड ऑलवेज बेटा, अपन एड, देखो एड इसलिए कर रहे हैं बेटा,
ये प्लस माइनस वापस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस ही तो कॉमन आया यहां पर, प्लस माइनस ही तो कॉमन आया यहां पर, ठीक है। या चलिए अब देखिए बात समझिए, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है डेल एम बाय एम इज इक्वल टू 2% और आपको दे रखा है डेल वी बाय बी यानी स्पीड कितना दे रखा है 3%। ऑब्वियसली इट इज प्लस माइनस नहीं दे रखा है, तो भी मान के चलना है कि ये प्लस माइनस ही, ठीक है ना। यू हैव टू सॉल्व दिस, ये हाफ क्या है बेटा कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाता है। अगर आप यहाँ पे लॉग ले लें तो क्या लिखोगे, लॉग ई इज इक्वल टू लॉग हाफ, बात समझना, प्लस लॉग एम प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग वी, ऐसे लिखोगे बेटा। अगर आप इसका डिफरेंशिएट ले लेते तो क्या हो जाता बेटा, वन बाय ई इज इक्वल टू लॉग कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, फिर ये होता वन बाय एम है ना, और ये क्या होता है डेल एम बाय डेल ई प्लस टू लॉग वी का डिफरेंशिएशन वन बाय वी डेल वी अपॉन डेल ई, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख लेते, डेल ई बाय ई इज इक्वल टू डेल एम बाय एम प्लस टू डेल वी बाय वी, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इसी कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल एम बाय एम आपको दे ही रखा है 2% प्लस ट्वाइस ऑफ 3%, सो 2 प्लस 3 टू 6 एंड द आंसर इज 8%, दैट इज द एनर्जी, एनर्जी का जो रिलेटिव एरर आपने निकाला है परसेंटेज एरर, दैट इज 8%, इज इट क्लियर। या 0.08 बिना परसेंटेज के अगर आप लिखना चाहें डेल ई बाय ए बिना परसेंटेज के, तो 0.08 आंसर आ जाएगा, बात समझ में आती है। चलिए इज इट क्लियर टू एवरीबडी, बहुत बेसिक सा है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए ये मैं लिमिटिंग एरर की बात कर रहा था, अब मैं आपको बात करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन की, बात समझ लेना, बात समझिएगा ध्यान से मेरी, सुनिएगा बात को जो मैं बोल रहा हूं। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैं आपको यही बता देता हूं, एक बार आप नोट कर लेना, इसको बोलते की नोट, बीच बीच में जो मैं लिखता हूं उसको बोलते की नोट। देखो ध्यान देना, अगर आर होता आपका 100 प्लस माइनस 2, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये जो 2 लिखा हुआ है ना बेटा, ये जो 2 लिखा हुआ है ये आपका लिमिटिंग एरर भी हो सकता है यानी नॉर्मल एरर, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, ये भी एरर ही कहलाता है, ये आपका अनसर्टेनिटी भी हो सकता है। तो ये जो जितने भी टर्म है, लिमिटिंग एरर बोल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन बोल लो, अनसर्टेनिटी बोल लो, या प्रोबेबल रैंडम प्रोबेबल एरर, क्या बोल लो, प्रोबेबल एरर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो जो नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हाँ बेटा कल मैराथन है सुबह 7 बजे, कल सुबह 7 बजे क्लास है और टॉपिक अपन पढ़ेंगे 7 बजे, मैं आपको वापस बता देता हूं, एमीटर्स वोल्टमीटर्स एंड ओममीटर्स, और आपको ये पढ़ने के बाद मजा आने वाला है, आपको ऐसा लगेगा कि तृप्त हो गई, आपको ऐसा लगेगा कि आत्मा तृप्त हो गई, एमीटर में वोल्टमीटर ओममीटर। तो आपने आज तक जितना भी पढ़ा होगा ई के सानी से या जितनी भी किताबों से, ये कंटेंट पूरा अलग रहेगा, ये जो कल कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ एमीटर वोल्टमीटर ओममीटर का, वो सबसे बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है ना बेटा। चलिए कल जो सुबह 7 बजे क्लास है, ठीक है, 7 से 9 बेटा, कल भी है परसों भी है, कल का टाइम है सुबह 7 से 9, कल का टाइम है सुबह 7 से 9, ठीक है ना, और परसों का टाइम है, संडे का टाइम है 6:30 से 8:30 शाम को, कल मॉर्निंग में है 7 से 9 और परसों संडे को है 6:30 से 8:30, ठीक है। चलिए ना अब बात समझो, बात समझो, ये लिमिटिंग एरर भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी भी हो सकता है, प्रोबेबल भी हो सकता है, ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अगर ये परसेंटेज में लिखा हो तो आप इसको परसेंटेज लिमिटिंग एरर बोल दोगे। देखो अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता 100 प्लस माइनस 4%, अभी ये जो वैल्यू है ये 2 जो है ये डेल आर को रिप्रेजेंट कर रही है, बात समझ रहे हो, अगर यही परसेंटेज में होता, यही परसेंटेज में होता तो ये डेल आर बाय आर को रिप्रेजेंट करता, स्टैंडर्ड डेविएशन में इसको बोलते सिग्मा, तो सिग्मा आर बाय आर को रिप्रेजेंट करता, अनसर्टेनिटी में इसको बोलते डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करता, और प्रोबेबल एरर में इसको बोलते आर, तो ये आर को रिप्रेजेंट करता, बात समझ में आ रही है। ये लिमिटिंग एरर, ये परसेंटेज, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, लिमिटिंग एरर डेल से, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से, अनसर्टेनिटी डब्ल्यू से, और प्रोबेबल एरर सिंपल आर से। तो परसेंटेज में है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, बिना परसेंटेज के है तो डेल आर रिप्रेजेंट करेगा। अब बात समझिए, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैसे तो ये रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेसेस का क्वेश्चन है लेकिन मेजरमेंट में ये आता है, ठीक है। देखिए अ कैपेसिटेंस ऑफ वैल्यू 1 माइक्रोफराड प्लस माइनस 0.1, ये एरर दे रखा है, इस चार्ज टू अ वोल्टेज 20 प्लस माइनस 1, यानी नॉर्मल एरर है, नॉर्मल, वेयर द एरर्स आर स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब लिमिटिंग एरर की जगह आपको क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया. क्या दे दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्यू इक्वल टू सीवी. अरे क्यू इक्वल टू सीवी वाला फॉर्मूला पता ही है, लेकिन आप यहाँ पे लॉग लेके सॉल्व नहीं कर सकते बेटा. लॉग लेके सॉल्व क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है. तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बात समझना. ये जो आपको दे रखा है कैपेसिटेंस, जिसमें दे रखा है 1.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेराड, आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला जो टर्म है ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कैपेसिटेंस में. किसमें दे रखा है? स्टैंडर्ड डेविएशन कैपेसिटेंस में. दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन कम टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस. दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा बेटा वोल्टेज 20 प्लस माइनस 1 और ये वोल्ट. तो जो आपको समझना पड़ेगा, ये एरर की जगह अब आपको क्या दे रखा है, ये जो 1 दे रखा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वोल्टेज. किसमें दे रखा है? वोल्टेज में. ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है चार्ज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन. चार्ज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर दो. फॉर्मूला क्या लगेगा देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इन चार्ज इज गिवन बाय, जो रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ. क्यू एक बार सी से डिपेंड कर रहा है, क्यू एक बार बी पे डिपेंड कर रहा है. तो लिखोगे कैसे? डेल क्यू बाय डेल सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैपेसिटेंस का स्क्वायर प्लस, एक बार क्यू वी से डिपेंड कर रहा है तो डेल क्यू बाय डेल वी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वोल्टेज का स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस. ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेसेस का. ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्यू को एक बार सी से डिफरेंशिएट करो, क्यू को एक बार वी से डिफरेंशिएट करो, और जो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन है उससे मल्टीप्लाई कर लो, या वोल्टेज के स्टैंडर्ड डिवीजन से मल्टीप्लाई कर लीजिए. देखिए तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले डेल क्यू बाय डेल सी, तो वी आ जाएगा और वी की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 वोल्ट. तो वी तो हो गया 20. अगर आप डेल क्यू बाय डेल वी करते तो आंसर आ जाता सी, और सी की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड यानी 10^-6. अब यहाँ पे अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इन चार्ज, स्टैंडर्ड डेविएशन इन क्यू. बेसिकली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इन सी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और वी तो दे ही रखा था. अब आप फॉर्मूला क्या लगा देंगे, डेल क्यू बाय डेल सी कितना है? 20 का स्क्वायर और सिग्मा सी का स्क्वायर. बेटा ये शॉर्ट ट्रिक ही है, ये शॉर्ट ट्रिक ही है. सिग्मा सी का स्क्वायर कितना होगा? सिग्मा सी का स्क्वायर मतलब 0.1. ये बहुत आसान टेक्निक है, बहुत आसान टेक्निक है. अभी आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सिग्मा वी कितना है यहाँ पर? 1. तो इसका स्क्वायर. तो मुझे आंसर कोई बताएगा कितना आ रहा है? प्लीज टेल मी द आंसर्स दोज़ हू आर लाइव, प्लीज टेल मी द आंसर दोज़ हू आर लाइव लर्नर्स. 1 more. ओके सर, अगर सी कैलकुलेट करने को बोला होता तो वही फॉर्मूला लगेगा, मीन जब डिवाइड फॉर्म में होगा तो. बेसिक कहां से पढ़े सर? बेसिक मैं पढ़ाऊंगा ना सारा, आप क्यों टेंशन लेते हो? जब मैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाऊंगा तो आपको सारा डिराइव करके दूंगा ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तो क्वेश्चन क्लास है ना. हाँ बेटा देखो, सिंपल सा लॉजिक है. आपको q = cv दे रखा है. यहां पे अगर ये लिमिटिंग एरर का केस होता तो मैं लॉग ले लेता, तो मैं लिख देता लॉग q = लॉग c और लॉग v, और इसको मैं मान लेता डेल सी और इसको मान लेता डेल वी, डेल सी और डेल वी मान लेता और आंसर आ जाता आपका. ठीक है ना, चलिए. लेकिन यहां पर जब स्टैंडर्ड डेविएशन का केस हो, चाहे अनसर्टेनिटी का केस हो, या प्रोबेबल एरर का केस हो, तो फॉर्मूला इस हिसाब से लगाना है. एक बार डेल क्यू को सी से डिवाइड कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, एक बार डेल क्यू को बी से डिफरेंशिएट कर देना है, और मल्टीप्लाई कर देना है उसकी जितनी भी अनसर्टेनिटी है या प्रोबेबल एरर है या जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा 2.2 माइक्रोफेराड. 2.2 माइक्रोफेराड अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है इसका. ठीक है ना, तो ये आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है. अगर वो आपसे पूछ लेता कि चार्ज बताओ टोटल, अगर वो पूछ लेता टोटल चार्ज बताओ, तो आप क्या लिख देते? क्यू प्लस माइनस डी क्यू. अरे टोटल क्या लिख देते? अगर टोटल लिखना होता तो सीवी मल्टीप्लाई कर देते ना. अगर आपसे बोल देता कि क्यू की टोटल रेंज बताओ तो आप क्या करते? हाँ बेटा 10^-6 एप्लीकेबल होगा. हाँ यहां पे लिखो ना 10^-6. हाँ मैं लिखना भूल गया, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. यहाँ पे भी तो लिखोगे? हाँ तो लिखो ना, यहाँ पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं. ये 10^-6 यहाँ पे भी लिखना है भाई, ये 0.1 × 10^-6 है ना, 0.1 × 10^-6 है ना, तो 2.2 माइक्रोफेराड आ जाएगा. कोई बात नहीं, चेक कर लेना इसको, अप्रोक्सीमेटली 2.2 आएगा ये. ठीक है, ओके दीप ठकरा, ओके दीप बेटा, ठीक है, ओके आई हैव करेक्टेड इट. यहाँ पे 0.1 × 10^-6 है ना. अरे इसकी वैल्यू 0.1 × 10^-6 है ना, और इसकी वैल्यू तो 1 ही है सिंपल. ठीक है, चलिए. और वो अगर आपसे पूछ ले टोटल क्यू बताओ तो कैसे बताओगे?
अगर वो पूछ लेता क्यू बताओ, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सीधी सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1 × 10⁻⁶ और वोल्टेज कितना है 20, यानी 20 × 10⁻⁶ की वैल्यू हो गई। तो अगर आपको क्यू प्लस माइनस सी लिखना होता तो आप क्या लिखते, टोटल क्यू क्या लिखते, 20 ± 2.2 ऐसे लिख देते, और ये भी 10⁻⁶ में, ये क्या माइक्रो कूलाम, 2.2 माइक्रो कूलाम और ये 20। बात समझ में आती है सबको, अरे चार्ज में निकाल रहे हो ना, कूलाम कूलाम कूलाम, फैराड नहीं कूलाम, यूनिट कूलाम आएगा, चार्ज है ये, कैपेसिटेंस नहीं है, कूलाम, 2.2 कूलाम, और क्यू की वैल्यू आप सीधी से निकाल लेते तो ये भी कूलाम था, तो 20 ± 2.2 माइक्रो कूलाम अगर वो आपसे टोटल पूछ ले चार्ज तो, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में पूछा हुआ ना, ये क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, तो वो आपने बता ही दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर सीरीज और पैरेलल दोनों केस हो तो कैसे करेंगे। देखो एक बार लिमिटिंग एरर का केस ले लेते हैं, एक बार स्टैंडर्ड डिवीजन का केस ले लेते हैं, तो आपका सारा कंफ्यूजन दिमाग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसलिए हम स्टैंडर्ड डिवीजन को लेते हैं क्योंकि यहां पे एरर कम आता है। लिमिटिंग एरर के केस में व्हेन यू टीच मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल, तो ये इलेक्ट्रिकल के लिए तो पढ़ा रहे हैं, और किसके लिए पढ़ा रहे हैं, फैसल रजा बेटा, ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन के लिए मेजरमेंट सेम ही होता है, कोई अलग थोड़ी होता है। अरे ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन के लिए मेजरमेंट जो है वो सेम ही होता है, कोई अलग थोड़ी होता है। अभी नहीं भूलोगे, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, मैं सारी चीजें क्लियर करता हूं, ठीक है। चलो वी हैव अ पैरेलल सर्किट हैविंग टू ब्रांचेस, द करंट इन द वन ब्रांच इज आई वन इक्वल्स टू 100 ± 2 एम्पियर एंड द करंट इन द सेकंड ब्रांच इज 200 ± 5 एम्पियर, सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल करंट I equal to I1 plus I2 because they are connected in parallel, considering that this 5 and 2 ampere, क्या consider करके चलना है, ये 5 और ये 2 ampere, एक बार limiting error है और एक बार standard deviation है, ये आपको मान के चलना है, एक बार मान के चलना है कि ये limiting error है, एक बार ये मान के चलना है कि standard deviation है, ठीक है। तो standard limiting error के case में तो आप directly कर सकते हो answer को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये simple add हो रहा है, तो 5 और 2 7 होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन के केस में हम सॉल्व कर लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन के केस में हम सॉल्व कर लेंगे। देखो मैं एक एक करके आपको दोनों चीजें बताता हूँ। चलिए डाउट पार्ट ए, पार्ट ए का मतलब बेटा क्या है, आई वन आपको दे रखा है 100 ± 2 एम्पियर और आई टू आपको दे रखा है 200 ± 5 एम्पियर, यानी ये जो वैल्यू आपको दे रखी है डेल आई वन की वैल्यू है क्योंकि लिमिटिंग एरर है, और ये डेल आई टू की वैल्यू है। तो अगर आपको आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू करना है, तो I1 plus I2 क्या लिखोगे आप, टोटल अगर लिखते तो 100 + 200, तो आंसर कितना हो जाता 300, और डेल I लिखते तो क्या लिखते, डेल I1 plus डेल I2, तो आंसर क्या लिखते 2 + 5, तो आंसर क्या हो जाता 7, तो टोटल I आपका क्या हो जाता बेटा, I1 plus I2 तो 300 हो गया और ये 7 हो गया, तो 300 ± 7 एम्पियर ये आपकी I की वैल्यू हो जाती, कब, जब लिमिटिंग एरर का केस हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी को बहुत आसान सी अप्रोच है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन का केस होता, अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन का केस होता तो क्या करते, 5.38 या 5.38 इज द राइट आंसर, अतुल कुमार या राइट बेटा, 5.38 इज द राइट आंसर, या बेटा 7% नहीं आएगा, 300 ± 7 ही आएगा, क्योंकि यहां पे परसेंटेज नहीं दे रखा, तो यहां परसेंटेज कैसे आ जाएगा, ये नॉर्मल लिमिटिंग एरर है बिना परसेंटेज वाला, तो यहां पे 7 ही आएगा, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का केस लेते बेटा तो क्या करते, देखो ध्यान से देखा, I1 आपको दे रखा है, I1 आपको दे रखा है 100 ± 2 और I2 आपको दे रखा है दैट इज 200 ± 5 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो टर्म है आपको दे रखा स्टैंडर्ड डेविएशन इन I2 और ये आपको दे रखा स्टैंडर्ड डेविएशन इन I1, दे रखा है नहीं दे रखा है, और आपको टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है करंट में, तो मुझे बताओ I किसके बराबर है, I1 और I2 के बराबर, यानी I किस पर डिपेंड कर रहा है, I1 पर, और किस पर डिपेंड कर रहा है, I2 पर, तो आप क्या लिखोगे, डेल I बाय डेल I1, पहले तो ये लिखोगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन इन I1 यानी सिग्मा I1 का स्क्वायर प्लस, फिर किस पर डिपेंड कर रहा है, I2 पर, तो डेल I अपॉन डेल I2 का स्क्वायर कर दीजिए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन टर्म्स ऑफ I2 उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए अब देखो कैसे निकलेगा, डेल I बाय डेल I1 आपको निकालना है, तो ये तो 1 हो जाएगा, I2 के लिए 0, तो वैल्यू क्या हो गई बेटा 1, ठीक है। सिमिलरली अगर आप डेल आई बाई डेल आई टू लगाते तो आई वन के लिए 0 हो जाता और आई टू के लिए 1 हो जाता, तो आंसर क्या हो जाता बेटा, 1 हो जाता, नहीं हो जाता, हो जाता,
तो बस सॉल्व कर लो, डेल आई बाई डेल आई वन इज वन स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन आई वन में कितना है टू, तो टू स्क्वायर प्लस डेल आई बाई डेल आई टू इज वन स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय डेल आई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इन आई टू कितना है फाइव, तो ये आंसर हो गया आपका टू टू जा फोर प्लस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव दैट इज रूट ट्वेंटी नाइन, है ना, और आंसर आपका हो गया 5.38 एम्पियर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया टोटल आई में, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इन टोटल आई, टोटल आई के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको टोटल करंट लिखना होता तो क्या लिखते बेटा, अभी 300 प्लस माइनस 5.38 एम्पियर। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वाला जो टर्म है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन इन आई। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, दिस इज नोन एज, किसको पता है पावर सिस्टम कब स्टार्ट होगा बेटा, कल या परसों स्टार्ट होने वाला, अंकित सर स्टार्ट करने वाले हैं ना, सबको मालूम है अंकित गोयल सर कल या परसों स्टार्ट करने वाले हैं, एक्चुअली 22 या 23 को स्टार्ट हो रहा है, मेरे डेट दिमाग में मिस हो रही है, अंकित गोयल सर, अरे पावर सिस्टम विल बी डील बाय अंकित गोयल सर, कल या परसों स्टार्ट करने वाले हैं यार, सबको मालूम है यार, सबको मालूम है, ठीक है चलिए। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है ना, चलिए अब बात समझिए, बात समझिए, प्रोबेबल एरर का केस हो चाहे स्टैंडर्ड डिवीजन का केस हो, क्वेश्चन देखना ध्यान से, देखो क्वेश्चन एक बार देख लेना, प्लीज सी द क्वेश्चन है, देखो यहां देखो ध्यान से देखो, देखो बेटा सैटरडे संडे को तो मैराथन सेशंस होते हैं, सैटरडे संडे को मैराथन सेशंस होते हैं, हाँ चलिए देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे बताओ जल्दी से, अ रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय वोल्टमीटर एमिटर मेथड, द वोल्टमीटर रीड्स 100 वोल्ट विद अ प्रोबेबल एरर ऑफ प्लस माइनस 12 वोल्ट एंड एमिटर रीड्स 10 एम्पियर विद अ प्रोबेबल एरर ऑफ 2 एम्पियर। अब जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन मान रहे थे उसकी जगह प्रोबेबल एरर आ गया, फॉर्मूला सेम टू सेम ही लगेगा, फॉर्मूला सेम टू सेम ही लगेगा बेटा, अब बस स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह प्रोबेबल एरर आ गया और कुछ नहीं, डिटरमाइन द प्रोबेबल एरर, अब आप मान लो कि प्रोबेबल एरर की जगह सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा और कुछ नहीं है, तो देखो आपको क्या दे रखा है, वोल्टमीटर क्या रीड कर रहा 100 प्लस माइनस 12 और आपको करंट क्या दे रखा बेटा, एमिटर रीड्स 10 प्लस माइनस 2 एम्पियर। अब बात समझो, ये जो 2 एम्पियर है ये आपको दे रखा है प्रोबेबल एरर, किसके अंदर, करंट के अंदर, तो जिसको आप सिग्मा लिख रहे थे बस अब उसको आर लिख देंगे, जिसको आप सिग्मा लिखते थे बस उसको आर लिख देते हैं, और ये किसमें है वोल्टेज में, बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, पहले आप इसको सिग्मा वी लिखते थे अब इसको सिग्मा आर आई लिख रहे हैं और आर वी लिख रहे हैं और कोई फर्क नहीं, ठीक है, फॉर्मूला एज इट इज ही है, आंसर एज इट इज ही निकलेगा जैसे पहले निकलता था। देखो आपको निकालना रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, वी अपॉन आई होता है, नहीं होता, तो आपको निकालना है प्रोबेबल एरर किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर। अब देखो बात समझो, ये मुझे बताओ रेजिस्टेंस वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो क्या लिखोगे, डेल आर बाय डेल वी का स्क्वायर, उसके बाद प्रोबेबल एरर किसका, वोल्टेज का, तो वोल्टेज का कितना है 12 का स्क्वायर प्लस, तो आप क्या लिखोगे, आर वी का स्क्वायर, बस सिग्मा की जगह आर लिखना है और कुछ नहीं करना, आर किसके साथ डिपेंडेंट है आई, तो डेल आर बाय डेल आई का स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डिवीजन किसमें, वो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या, प्रोबेबल एरर किसमें, करंट में, बस सिग्मा की जगह आपको आर लिख देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, 3.2 इज नॉट द आंसर, 0.32 इज नॉट द आंसर, अभी ये पढ़ लो भाई, पावर सिस्टम भी आ जाएगा, ठीक है, हां 2.33 इज द आंसर, या अखिलेश 2.33 इज द राइट आंसर, या बेटा 2.33 इज द राइट आंसर, बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन में एरर कम आता है, लिमिटिंग एरर में एरर ज्यादा रहता है, तो बेसिकली जब हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्यादा यूज करते हैं, लिमिटिंग एरर को यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा टारगेट यह है कि एरर कम से कम आए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम से कम आता है, एरर कम से कम आता है, ठीक है चलिए। हाँ बेटा यूट्यूब पे बाद में भी रहेगा, आप लिंक को लाइक कर दो, बाद में भी रहेगा, कहीं गायब नहीं होता है। चलिए अब बात समझिए, डेल आर बाय डेल वी कितना है बेटा, देखो यहां से देखो, डेल आर बाय डेल वी कितना होगा बेटा, 1 अपॉन आई, और आई कितना है यहां पर 10, तो आप क्या लिख दोगे 1/10। सिमिलरली डेल आर बाय डेल आई कैलकुलेट करो, तो वी तो कांस्टेंट हो गया, 1/i का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन आई स्क्वायर, वी कितना है बेटा 100 और आई कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, तो आंसर कितना हो गया माइनस 1।
ठीक है, यहां पे लिख दो वैल्यू को जो भी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, डेल आर बाय डेल वी कितना है, 1/10, 1/10 का स्क्वायर, और आरबी कितना है आपका, आरबी है 12, तो 12 का स्क्वायर यानी 1.2 का स्क्वायर प्लस डेल आर बाय डेल आई कितना है बेटा 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा इनटू प्रोबेबल एरर करंट में कितना है 2, तो ये हो गया 1.2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेसिकली 1.2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 2.33 ओम, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि उसने बोला था प्रोबेबल एरर निकालो रेजिस्टेंस के अंदर, किसके अंदर निकालना था बेटा, रेजिस्टेंस के अंदर, इज इट क्लियर। और आप लोग मुझे अगर फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नाम मेरा आपको पता ही, गूगल पे एक बार सर्च कर लो, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, यू कैन सर्च मी ऑन गूगल, प्रमीत लवास के नाम से सर्च कर लो, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आई एम नॉट अलाउड टू शेयर माई टेलीग्राम चैनल्स एंड द कॉन्टैक्ट नंबर्स फ्रॉम टूडे ऑन यूट्यूब सेशंस, सो अगर आपको मेरे को फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं, आप गूगल पे एक बार टाइप कर लीजिएगा प्रमीत लवास, गूगल पे एक बार टाइप कर लीजिएगा प्रमीत लवास, आपको मेरे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। दो रेजिस्टेंस है आर वन आर टू, टू रेजिस्टेंसेज आर वन आर टू आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। अब देखो आपको सीरीज के लिए भी बता देता हूं, जब आर वन प्लस आर टू हो तो क्या होगा, और जब पैरेलल में होगा तो क्या होगा, दोनों के लिए हम सॉल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, आर वन इज दिस एंड आर टू इज दिस, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द कंबाइंड रेजिस्टेंस फॉर बोथ सीरीज एंड पैरेलल। आपको दोनों के लिए कैलकुलेट करना है, सीरीज के लिए भी करना है और पैरेलल के लिए भी करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज। अनसर्टेनिटी बताना है सिर्फ मुझे, अनसर्टेनिटी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा देखो सुनो, चाहे आप अनसर्टेनिटी बोल लो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन बोल लो, चाहे प्रोबेबल एरर बोल लो, फॉर्मूला वही का वही है, बस आपको समझना पड़ेगा कि प्रोबेबल एरर में आर हो जाता है, अनसर्टेनिटी में डब्ल्यू लग जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा लगा देते हैं, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला केस कंसिडर आप कर लो, जब रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में, रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, मान लीजिए रेजिस्टेंस किसमें है बेटा, सीरीज में, सीरीज में, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, आर वन प्लस आर टू, ये वैल्यू होगी आर की, वैल्यू होगी आर वन प्लस आर टू 0.1044। हाँ बेटा ये सही है, पैरेलल का भी एक बार बता दो, सीरीज का ठीक है अखिलेश, पैरेलल का भी बता दो बेटा, ठीक है। अब देखो बात समझो, आर में आपको निकालना है अनसर्टेनिटी, फॉर्मूला देखना क्या बोल रहा हूं, यानी अब आप जिसको आप सिग्मा आर लिखते थे, अब उसको लिखेंगे डब्ल्यू आर, समझो बात को, आर वन आर टू के लिए वैल्यू दे रखी है, तो ये 0.1 ओम क्या दे रखा है, यही दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन इन आर वन, इसी को बोलते हैं प्रोबेबल एरर इन आर वन, इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन आर वन, तो इसको बोलेंगे डब्ल्यू आर वन, सिग्मा की जगह डब्ल्यू लगा देंगे, और इसको क्या बोलेंगे डब्ल्यू आर टू, बात समझ में आती है, यानी प्रोबेबल अनसर्टेनिटी इन आर टू एंड दिस इज अनसर्टेनिटी इन आर वन, फॉर्मूला क्या लगेगा, आर आर वन आर टू दोनों पर डिपेंड है, तो डेल आर बाय डेल आर वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, बात समझ में आई, प्लस मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो रहा होगा फॉर्मूला कैसे लगाना है, एक बार क्लियर हो रहा हो यार, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में इजी टू लर्न टाइप कर दीजिए, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में इजी टू लर्न टाइप कर दीजिए सब लोग, जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन इजी टू लर्न, या बेटा अतुल राइट आंसर बेटा 0.1044 इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है मुझे, तो आर मेरा क्या था, आर वन प्लस आर टू डेल आर बाय डेल आर वन, अगर आप लिखते तो आंसर आता 1+0 यानी 1, और डेल आर बाय डेल आर टू अगर आप लिखते तो यह आता 0+1 दैट इज 1, ठीक है। चाणक्य, पुनीत, आशुतोष, अतुल, आदित्य, ओके। अच्छा किसी ने आपको फॉर्मूला याद ऐसे कराया होगा डायरेक्टली, मोहम्मद, आबिद, दीपक टक्कर, संदीप एंड संजय कुमार वर्मा, थैंक यू फॉर टाइपिंग। सो प्लीज यार अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना इजी टू लर्न। संदीप साहा, अभिषेक, संजय कुमार, अतुल कुमार, वेलकम वेलकम। सो चलिए अब देखो समझो, किसी ने आपको फॉर्मूला ऐसे याद कराया होगा, कि भाई डायरेक्ट याद कर लेना, सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर, ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर ये वन नहीं होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। मान लो किसी ने आपको फॉर्मूला ऐसे याद करा दिया,
आपने याद भी कर लिया कि सोचा क्या जा रहा है, क्योंकि ये तो वन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि ये वन हो जाते हैं। आपने पिछले केसेस में देखा कि हमेशा ये वैल्यू वन नहीं होती है, तो ऐसे आपको हमेशा इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के नहीं सॉल्व करना है। 3 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, 3 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नीरज विश्वकर्मा, अतुल, अतुल कुमार एंड अखिलेश, ओके ठीक है। सो डेल आर बाय डेल वन इज वन बेटा, और डब्ल्यू आर वन का मतलब क्या है, पॉइंट वन, तो पॉइंट वन का स्क्वायर कर दीजिए, और डेल आर बाय डेल टू कितना होता है बेटा 50, इसका स्क्वायर कर दीजिए, नहीं सॉरी 1, और डब्ल्यू आर टू यानी दैट इज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस आर टू कितना है 0.03, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए, आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा। अच्छा, आप क्या चाहें तो प्लस माइनस लगा दीजिए, देखो प्लस माइनस ऑलरेडी होता ही है सब जगह, क्योंकि जब आखिरी में आंसर रिप्रेजेंट करोगे, अगर टोटल रेंज लिखनी है, मान लो सीरीज में है, तो 100 प्लस 50 क्या होगा 150, तो ये तो वैसे ही प्लस माइनस में होता है, तो आप चाहे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.1044 ओम दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ अनसर्टेनिटी इन द कंबाइंड रेजिस्टेंस आपको लिखना है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया बेटा, सीरीज में अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस केशव, हाय केशव बेटा, हाँ मैं देख रहा था बेटा देखो स्पेशल क्लासेस में, कहां था तू, कोई बात नहीं कल आ जाना, कल आ जाना 1 बजे, अरे कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, तू तो फेवरेट है मेरा, कल आ जाना 1 बजे, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस 1044, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, तो ये आंसर हो जाता टोटल का 150 प्लस माइनस 0.1044, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो डब्ल्यू आर टू क्या होता है, शुक्रिया न्यूज गूगली, हेलो बेटा, अनसर्टेनिटी इन आर टू, आप लोग मेरे कल सेशन अटेंड करो 7:00 वाले, उसके बाद परसों मैं आपके लिए एक भयंकर वाला मोटिवेशनल सेशन लेके आऊंगा कि मल्टीप्लाई थ्रू सब्सट्रैक्शन, सेशन का नाम रहेगा मल्टीप्लीकेशन थ्रू सब्सट्रैक्शन, आपने पहली बार सुना होगा, सेशन का नाम रहेगा मल्टीप्लीकेशन थ्रू सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए, जिसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन आर वन, अनसर्टेनिटी इन आर वन, ठीक है, एंड दिस इज अनसर्टेनिटी इन आर टू, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, पहला केस क्या था बेटा, जब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो। अब मान लीजिए दोनों पैरेलल में हो तो क्या करना है, जब दोनों पैरेलल में हो तो क्या करना है, देखिए बात समझिए, व्हेन आर वन एंड आर टू इन पैरेलल, व्हेन आर वन एंड आर टू इन पैरेलल, इन दिस केस द आंसर विल बी व्हाट, 0.0173, हाँ बेटा ठीक है आंसर, व्हेन आर वन एंड आर टू इन पैरेलल, हाँ पैरेलल वाले में डाउट नहीं रहेगा, अभी रुक जाओ, अभी मैं करा देता हूं, कोई कभी डाउट नहीं रहेगा, रुको, यानी R की वैल्यू हो गई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही रहेगा। अच्छा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, अगर आप देखो तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस आप डेल R बाय डेल R1 और डेल R बाय डेल R2 चेंज हो जाएगा, देखो कैसे, समझना दो तीन बातें हैं, समझो R1 आपको क्या क्या दे रखा है, R1 आपको दे रखा है दैट इज 100 प्लस माइनस 0.1, और R2 आपको दे रखा है यहां पर दैट इज 50 प्लस माइनस 0.03। अब समझो बात, आपको कैलकुलेट फॉर्मूला वही लगेगा, डेल आर बाय डेल आर वन अगर कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे मुझे बताओ, इसमें क्या करोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, आर वन आर टू का डिफरेंशिएशन करना है आर वन के रेस्पेक्ट में, तो आर टू माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर आर वन प्लस आर टू, तो आर वन का तो डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, आर टू के लिए जीरो हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया, तो आर वन आर टू माइनस आर वन आर टू तो कैंसिल हो जाएगा, आर वन आर टू माइनस आर वन आर टू तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिखोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो ना, इसको सॉल्व कर लो, मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है, तो ये आंसर आएगा आर टू अपॉन, इसको वैसे सॉल्व कर लो, आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर, ये आपका आ गया डेल आर बाय डेल आर वन, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, बात समझ में आई कैसे होता है, आ गया ना, इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही, कोई बहुत भारी काम नहीं है, कितनी आएगी वैल्यू, आर टू 50 डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू 150 माइनस आर वन आर टू इज 100 इंटू 50, 100 इंटू 50 डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू इज 100 प्लस 50 150 स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो गई डेल आर बाय डेल आर वन, कितनी आ रही है मुझे बता दो फटाफट से,
ठीक है, मोहम्मद आबिद अभी डाउट नहीं रहेगा कभी। चलिए दूसरा, डेल आर बाय डेल आर टू कैसे निकालोगे? सिमिलरली डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, आर वन आर टू का डिफरेंशिएशन करो आर टू के रेस्पेक्ट में, तो आर वन माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर आर टू के रेस्पेक्ट में, तो आर वन का तो जीरो और आर टू के लिए वन, तो आंसर क्या रहेगा? आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर, सॉरी माइनस आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आर वन की वैल्यू कितनी है? 100 या 0.111 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 100 अपॉन आर वन प्लस आर टू इज 150 माइनस 100 इंटू 50 डिवाइड बाय 150 का स्क्वायर। एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आ रहा है मुझे बताओ। इसका आंसर आएगा 0.111 और दूसरे वाले का आंसर आएगा आपका 0.444। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। फॉर्मूला सेम टू सेम ही रहेगा जैसा था। अरे नहीं बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा इसको, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, क्या टाइम लगेगा, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्टली आप डिराइव, अरे बेटा डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, मैं तो आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे सॉल्व होता है, इसमें क्या दिक्कत है, तो बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, चलिए अब बात समझिए। अनसर्टेनिटी आपको निकालनी है पैरेलल में, अब सुनो, अनसर्टेनिटी इन पैरेलल में, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा। अनसर्टेनिटी पैरेलल में निकालनी है तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा? डेल आर बाय डेल आर वन का स्क्वायर, और क्या बोल रहा है, अनसर्टेनिटी इन आर वन का स्क्वायर, डेल आर अपॉन डेल आर टू का स्क्वायर एंड अनसर्टेनिटी इन आर टू का स्क्वायर, यही रहेगा बेटा फॉर्मूला, बस तो आंसर निकाल लो, इसमें क्या दिक्कत है। इसका आंसर है 0.111 स्क्वायर और अनसर्टेनिटी इन आर वन आपको दे रखी है 0.1 का स्क्वायर, ये भी आपने निकाला 0.444 का स्क्वायर, और इसके लिए क्या लिखोगे 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.01734 ओम, ये आपका अनसर्टेनिटी आ गया टोटल रेजिस्टेंस जब ये पैरेलल में है। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, आर वन आर टू अपॉन आर वन इसकी पैरेलल प्लस माइनस 0.1734। ठीक है, ये लिखोगे ना, और आर वन आर टू का पैरेलल करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, अरे R1 parallel with R2 करोगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 divide by R1 plus R2, यानी 100 into 50 divide by 100 plus 50, तो ये आंसर आएगा 33.33, तो 33.33 plus minus 0.01734 is the answer in case of parallel, और in case of series जो था वो आंसर था आपका 0.1044, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, is it clear to everybody? या बेटा 33 पॉइंट, सौरभ अतुल पुनीत या राइट नाम से बेटा, ये आशुतोष यादव क्या बता रहा है 0.0186, ये क्या है पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो सो लेट्स मूव ऑन। देखिए एक और क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से, राइट डाउन, अ सर्टन रजिस्टर has a voltage drop, a certain resistor has a voltage drop volt and current of 5.3 ampere, current of 5.3 ampere, ठीक है, ये voltage है, ये current है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, होता रहता है, गलतियां इंसान से ही होती है, कोई दिक्कत नहीं, the answer, मैं भी गलतियां करता हूं, उसमें क्या दिक्कत है। The uncertainty in the measurements are plus minus 0.2 volt and plus minus 0.6. Calculate the power dissipated in the resistor and uncertainty in the power. ठीक है? चलिए अब बताइए क्या करेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, आपको दे रखा है वोल्टेज और करंट का फॉर्मूला, आपको दे रखा है वोल्टेज कितना है 110.2 प्लस माइनस 0.2। सूरज बेटा मैराथन कल जो है मॉर्निंग में, वो टॉपिक का नाम है एमिटर वोल्टमीटर ओममीटर, वो इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों के लिए होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि वो बेटा मेजरमेंट जो है ट्रांसड्यूसर को छोड़ के सारा ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन का पार्ट है, समझ रहे हो? ठीक है, और कल आ जाना सुबह 7 बजे, मैं आपको सुबह फिर मिलूंगा और आपको मजा आ जाने वाला है एमिटर वोल्टमीटर ओममीटर। ठीक है, चलिए वी की वैल्यू हो गई 110.2 प्लस माइनस 0.2
और करंट हो गया बेटा आपका 5.3 प्लस माइनस 0.06 एम्पियर। ये आपका वोल्टेज है और ये करंट है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये वाला पार्ट आपका अनसर्टेनिटी है वोल्टेज में और ये वाला पार्ट है अनसर्टेनिटी करंट के अंदर, ठीक है ना। चलिए और आपको क्या करना है, पावर निकालना है। तो पावर पहले निकाल लो VI, सिंपल। तो VI कितना हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय करंट इज 5.3। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 584 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, WP। तो क्या लिखोगे, पावर होता है VI के रेस्पेक्ट में, 6.7 कुछ अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है, 6.69। हाँ ठीक है, 6.69 आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। डेल पी बाय डेल वी का स्क्वायर यहाँ देख लो। और अनसर्टेनिटी वोल्टेज में क्या है, अब मेरे को नहीं लगता है कि अगर आप कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको मैंने बार बार ये फॉर्मूला लिख के इजीली करा दिया है कि ये आराम से हो सकता है। ये मैं 5-6 बार इसीलिए करा दिया है आपको, ताकि अब आपको ये फॉर्मूले में कभी भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और डेल पी बाय डेल वी कितना होगा, आई के बराबर। और डेल पी बाय डेल आई किसके बराबर होगा, वी के बराबर। तो आई कितना है बेटा, 5.3, और V कितना है बेटा, 110.2। तो बस आपको यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है और मुझे आंसर बता देना, और कुछ भी नहीं करना। डेल पी बाय डेल वी कितना है, 5.3 का स्क्वायर। इसलिए मैंने कहा था ऐसे फॉर्मूला याद मत रखना, सिग्मा वी स्क्वायर प्लस सिग्मा आई स्क्वायर। पुनीत कुमार, इजी टू लर्न, थैंक यू सो मच। सिग्मा वी कितना है, 0.2 का स्क्वायर प्लस डेल पी बाय डेल आई कितना है बेटा, 5.3, 110.2। और सिग्मा आई कितना है बेटा, सिग्मा आई की वैल्यू है 0.06 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 6.7 वाट। तो ये आपका अनसर्टेनिटी हो गया पावर में। 6.69 भी आ रहा है तो ठीक है आंसर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बात समझ में आ रही सबको, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बताइए, प्लीज टेल मी द आंसर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। बेसिकली R इक्वल टू रो एल बाय ए होता है ना। आई सी योर सिग्नल वीडियो, ऑसम सर, सूरज, ओके, थैंक यू सो मच। रो एल बाय ए, एरिया को बोलते हैं पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो ये वही रो एल बाय ए का फॉर्मूला है जिसको उसने एरिया लिख दिया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ एंड डी इज द डायमीटर। The error in the measurement of each of the parameters rho, length and d is plus minus 1% and assuming that the errors are independent random variable, the percentage error in the measurement of r is what? The percentage error in the measurement of r is what? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना। और आप थोड़े दिन बाद इस क्वेश्चन को ओरली करने लगेंगे, या 4% is the right answer। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पर 4 ही लिख के आना है, क्योंकि परसेंटेज तो दे रखा है ना। अब देखो बात समझो, आपको रो एल डी का परसेंटेज दे रखा है। क्या दे रखा है, परसेंटेज, यानी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको पता होना चाहिए। आपको डेल रो बाय रो गिवन है, समझ में आ रही है बात। आपको डेल एल बाय एल गिवन है और ये सारी वैल्यू सेम ही है। डेल एल बाय एल गिवन है यानी +-1%, और डेल डी बाय डी गिवन है बेटा +-1%। गजब सर जी, गजब किस चीज के लिए। ठीक है, सबने आंसर बता दिया, ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नाउ अगर आप इसको लिखते हैं रेजिस्टेंस को, देखो बात समझो, तो क्या लिखते हैं, ये 4 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, 4 अपॉन पाई को कांस्टेंट है, छोड़ भी सकते हो लॉग लेते वक्त। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब लॉग ले रहे हो तो लॉग तो पूरे का ही लोगे। नहीं, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, मैं आपको थोड़े हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा ना। देखो बेटा, जब आप स्टार्ट कर रहे हो बेसिक मेजरमेंट, तो आपको आपको ये देखना पड़ता है ना कि बच्चा एवरेज भी हो सकता है, बिलो एवरेज भी हो सकता है और हाई लेवल भी हो सकता है। तो जब आप स्टार्ट करते हो, शुरू का आधा पौन घंटा अगर कोई चीज बेसिक चल रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल बहुत बेसिक हो गया है। लेवल तो बहुत हाई जा सकता है, तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में बेसिक क्वेश्चन करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हमेशा ऐसे मत सोचो कि हमेशा एडवांस ही चीज चले, क्योंकि मैं अगर अपने लेवल पे आ जाऊंगा, अगर मैं अपना
अगर मैं अपने लेवल पे आ जाऊंगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो मैं धीरे धीरे आपको लेके जा रहा हूँ चढ़ाई। पहाड़ पे चढ़ना है ना तो एकदम से नहीं चढ़ना है, धीरे 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 चढ़ना, क्योंकि मैं बिलो एवरेज का भी लेके चलता हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता मेजरमेंट के बारे में उसको भी समझ में आए। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं कि सिर्फ स्टार्ट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूं जो आपसे हिले ही ना, नहीं नहीं बेटा मैं नाराज नहीं हूं आपसे, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं और कुछ बातें, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है चलिए ओके। 4L by rho L by d square, ठीक है चलो अब बात समझो। अब लोग क्या करते हैं 4 by pi को आप इजीली हटा सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो वैसे तो डेल आर बाय आर डेल रो बाय रो प्लस डेल एल बाय एल माइनस टू डेल डी बाय डी। मुझे नहीं लगता किसी को भी लिखने में ये प्रॉब्लम होगी, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस तो सब जगह है ही, तो आप प्लस माइनस लगा दो, डेल रो बाय रो इज 1%, डेल एल बाय एल इज ऑल्सो 1%, दिस इज माइनस ट्वाइस, और आप प्लस माइनस बाहर ले रहे हो तो इसको प्लस ही लगा दो अंदर, और ये कितना है 1%। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 3 4, द आंसर इज प्लस माइनस 4%। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ आपको 4 लिख के आना है, क्योंकि वहां फिल इन द ब्लैंक्स में परसेंटेज नहीं लिखा रहता है। तो आप एक काम करना, वर्चुअल कैलकुलेटर अगर आपको देखना हो तो आईआईटी की वेबसाइट पर IIT की वेबसाइट पे apps.iitbombay वाली जो वेबसाइट है उस पे जाके एक बार वर्चुअल कैलकुलेटर चला के देख लेना कि कैसा चलता है। पता पड़ा उस पे साइन इनवर्स निकल रहा है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स निकल ही नहीं रहा तो तुम परेशान हो रहे हो। ठीक है, पता पड़ा 2 की पावर 39 उस कैलकुलेटर में हो ही नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेना क्या क्या नहीं होता और क्या क्या होता है उस कैलकुलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताइए, consider the emitter voltmeter method of determining the value of resistance R using the circuit shown in the figure. The maximum possible error of the voltmeter and emitter are known to be 1% and 2% of the readings. Neglecting the effect of meter resistance, that means RB or RA ko neglect kar do, to maximum possible percentage error in the value of R determined from the measurement will be. ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या होगी, रेजिस्टेंस कितना होगा वोल्टेज डिवाइड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द एमिटर। अरे रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस प्लस करंट फ्लो थ्रू द एमिटर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने एमिटर का रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया है। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता एमिटर का और आरवी, मैं उसको क्या मान रहा हूँ, नेग्लेक्ट करके मान रहा हूँ, उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए फॉर्मूला वी बाय आई आ रहा है, नहीं तो फॉर्मूला वी बाय आई नहीं आएगा। दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस and the current through the resistance, because I am neglecting the emitter and voltmeter resistance. अगर इन दोनों का resistance होता तो R is equal to V by I नहीं होता, फिर R plus RA is equal to V by I होता, फिर R plus RA is equal to V by I होता अगर emitter का resistance हम consider कर लेते। ठीक है चलो, तो आप इसको क्या लिख देते, del R by R del V by V plus, वैसे तो minus होता तो यहाँ plus minus लिखते तो ये होता del I by I। तो सिंपल सा लॉजिक है, डेल वी बाय बी का मतलब 1% और इसका मतलब 2%, तो आंसर कितना हो गया 3%। बेटा 2 नहीं आएगा, आंसर 3 आएगा, ऐड होगा, ये प्लस माइनस है ना। हाँ ठीक है चलिए, और क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, और आपको पता ही है कि पीडीएफ कहां पर आता है। ठीक है ना, चलिए पीडीएफ आपको पता ही है कहां पर आता है। ठीक है ना, चलो केशव यार एक बार मेरा लिंक डाल दो यहाँ पर जहां पे पीडीएफ अवेलेबल होता है, आई एम नॉट अलाउड टू सेंड द लिंक, दैट्स व्हाई। चलिए नाउ, एन एमिटर हैज अ रेंज ऑफ 0 to 30 एम्पीयर, एन एमिटर हैज अ रेंज ऑफ 0 to 30 एम्पीयर, लास्ट क्वेश्चन है, एन एमिटर हैज अ रेंज ऑफ 0 to 30 एम्पीयर एंड द इंस्ट्रूमेंट गेव द फॉलोइंग रीडिंग्स। आपको ये रीडिंग दे रखी है करंट एंड द एमिटर रीडिंग, तो जब करंट 0 है तो एमिटर 1 दे रहा है यानी एरर दे रहा है, जब करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो एमिटर 4 एम्पियर रीडिंग दे रहा है, जब करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो एमिटर एरर दे रहा है मतलब। ठीक है ना, तो व्हाट इज द नॉन लीनियरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन टर्म्स ऑफ फुल स्केल रीडिंग इन परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग। चलो बता व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द परसेंटेज नॉन लीनियरिटी। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, मेजरमेंट में सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कितना आंसर होगा। आई डोंट नो हिंदी सर, विशाली राम, यू डोंट नो हिंदी, ओके
So the question says you have to find the percentage non-linearity in the full scale reading if the current is, when the current is 5 ampere, the ammeter shows 4 ampere. When the current is 10 ampere, the ammeter shows 12 ampere. That means there is some deviation. So what is the percentage non-linearity in terms of percentage full scale reading? Bataiye. So what is the full scale reading? That is 30 ampere. This is the full scale reading. There is a scale and it is 0 to 30 ampere. So 0 to 30 ampere, 30 ampere is the full scale value. So please tell me the answers. No, 12% is not the answer, beta. Deep takrar. 12% is not the answer. 12% is not the answer. आंसर क्या होगा इसका? अब ये बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है. अब तुम कह रहे थे बेसिक बेसिक बेसिक, इससे लल्लू क्वेश्चन दुनिया में नहीं है, इससे लल्लू क्वेश्चन दुनिया में नहीं आया कभी. अब तुम कह रहे थे ना सर बेसिक 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 करा रहे हैं, अब मैंने इतना बेसिक लिख दिया कि तुमसे हो नहीं रहा. देखो ये आपका लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है आउटपुट और इनपुट के बीच में. तो अगर नॉन लीनियरिटी यहां पर होती तो ये कर्व ऐसे होता. अच्छा, इस पूरे कर्व में देखा जाए, तो नॉन लीनियरिटी मैक्सिमम यहां पर है. तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम डेविएशन. क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डेविएशन. इस पूरे कर्व में मैक्सिमम एरर इस पॉइंट पे आ रहा है क्योंकि यहां पर मैक्सिमम कर्व जो है वैसे तो लीनियर होना चाहिए, लेकिन कर्व क्या है? नॉन लीनियर. तो जो मैक्सिमम एरर जिस पॉइंट पे आ रहा है वो ये पॉइंट है जहां मैक्सिमम डेविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो. या 10% इज द राइट आंसर. नाउ व्हाट इज परसेंटेज नॉन लीनियरिटी? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपने देखा हो. थैंक यू सत्यम. परसेंटेज नॉन लीनियरिटी कितना होता है बेटा? मैक्सिमम डेविएशन कितना हुआ यानी मैक्सिमम एरर डिवाइड बाय फुल स्केल वैल्यू इनटू 100%. और बोल भी रहा है कि फुल स्केल रीडिंग के टर्म्स में निकालो. तो यहाँ पे देखो 0 और 1 के बीच में डिफरेंस है 1, 5 और 4 के बीच में डिफरेंस है 1, यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ पे डिफरेंस है 1, यहाँ पे डिफरेंस है 2 और यहाँ डिफरेंस है 3. तो मैक्सिमम कहां पर है? यहां पर. मैक्सिमम एरर कहां पर है? डेविएशन यहां पर. ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम डेविएशन 3. फुल स्केल वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर? फुल स्केल वैल्यू है यहाँ पर 30 इंटू 100%. So the answer is approximately 10%. ठीक है बेटा. एक्चुअली मैं आपको कोड बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मेरी बात सुनो, आई एम नॉट अलाउड टू शेयर माई कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम टूडे. हमको अभी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना अलाउ नहीं है आज से, और मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी शेयर नहीं कर सकता हूँ आज से. ठीक है, तो डोंट आस्क फॉर इट. पर आपको अगर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ चाहिए तो आपको उसके लिए, हाँ, पर मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पर. आप थोड़ा मुझे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा. आई डोंट नेम द टेलीग्राम चैनल्स, वी आर नॉट अलाउड टू शेयर इट. ओके, चलो. कल तक अलाउ था, आज अलाउ नहीं है. ठीक है ना, हम लोगों को. ठीक है ना, चलिए. ठीक है ना, तो बेसिकली अगर आपको पता ही है बेटा, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के लिए पहले भी सारे एजुकेटर्स बताते हैं, आपको कोड लगाना है प्रमीट 10. ठीक है ना, कोड इज प्रमीट 10. द कोड इज प्रमीट 10. अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए अन अकेडमी पर और प्रमीत सर के लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो कोड लगा देना बेटा प्रमीट 10. प्रमीत का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, और 10 का मतलब होता है 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो आपको. ठीक है, आप एक काम करो, गूगल पे सर्च कर लो प्रमीत लवास. मैं आपको मिल जाऊंगा. और मैं मिल गया आदित्य साहू. हाँ, तो बेटा आप शेयर कर दो यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे. आई एम नॉट अलाउड टू शेयर. आप अगर शेयर करना चाहो कमेंट सेक्शन पे तो आप शेयर कर दीजिए चैनल्स के नेम. आई एम नॉट अलाउड टू शेयर इट. ओके आदित्य, तुम्हें तो पता ही है बेटा. हाँ, सॉरी. सो प्रमीट 10 इज माय प्रोमो कोड. अगर आप मुझसे सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो कोड लगा दीजिए प्रमीट 10. और कुछ नहीं करना, गूगल पे अभी सर्च करना प्रमीत लवास. मैं आपको मिल जाऊंगा और आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा. ठीक है, चलिए. सो दिस इज प्रमीत लवास साइनिंग ऑफ राइट हियर राइट नाउ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर. और मैं सबके एक बार नाम ले देता हूँ. आदित्य अतुल, अरुण, अंकित, चाणक्य, वैशाली, संदीप, आशुतोष, थैंक यू सो मच. रिया, दोज़ हू आर लाइव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द सेशन. पुनीत, अरुण, मोहम्मद वानी, रिया, रौनित, सूरज, पुनीत, रिया, अतुल,
So there are many names. Okay. So thank you so much for joining the session. We'll meet tomorrow at 7 a.m. कल सुबह 7 बजे मिलते हैं. कल सुबह 7 बजे मिलते हैं. Topic का नाम है emitters, voltmeters and ohmmeters. Thank you so much for joining the session. Thank you so much. Good night. Good night, everybody.